और मैं तो हमेशा पिता समान उनको मानता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र के, और हमेशा उनने भी वो रिगार्ड रिग्रेट दिया है ना। मैंने कांग्रेस के पक्ष में जाने के लिए वोट मांगे थे ना बीजेपी के। दर्द यही आता है कि ये 35 साल का छोरा कैसे पहुंच गया। ना तो हम रुकने वाले, हमने तो अगले 40 साल पॉजिटिविटी के साथ राजनीति कर ली और उसके ऊपर अपने आप को समर्पित। सर, राव इंद्रजीत बड़े नेता हैं इस इलाके में, अहिरवाल में बड़ी पकड़ है। 2014 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो चर्चाएं थी कि वो आपके साथ गठबंधन करेंगे, आपसे उनकी मुलाकात भी हुई थी, और अब फिर से ये संशय बन गया है कि उनकी टिकट को लेकर बड़ा क्योंकि विपक्ष दूसरे पार्टी के नेता को टिकट और इस वितरण पर ना टिप्पणी करूं तो बेहतर है। रविंदर सिंह जी का परिवार का रिश्ता हमारे परिवार से कोई आज से नहीं है। हरियाणा बना था और राव वीरेंद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन से लेकर आज तक का है। और मैं तो हमेशा पिता समान उनको मानता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र के हैं, और हमेशा उनने भी वो रिगार्ड रिग्रेट दिया है जो मुझे लगता है बच्चे के तौर पर मुझे मिलना चाहिए। पारिवारिक तौर पर हमारे रिश्ते हैं, राजनीतिक तौर पर उनका क्या भविष्य में निर्णय होगा वो स्वयं बहुत ज्यादा समझदार है इस पर। भविष्य में के साथ और वो अपनी गठबंधन करते हैं तो आज की बात करते हैं, आज हम दोनों मिलकर चल रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, आप आज तक में रहोगे नहीं रहोगे ये तो आपको भी नहीं पता, आप रख लेना आपके पास आ जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा ये तो भगवान पे छोड़ दो। अच्छा सर, दीपेन उनके पिताजी कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला कहते थे कि 75 पार भाजपा ने नारा दिया और इनको जमुना पार भेज देंगे, लेकिन दोनों आज मित्र बन गए। चलो एक चीज तो है, बाबू बेटों को दोनों को दुष्यंत तो दिखता है, और दूसरी चीज है मैं ये मानता हूँ, मैंने 40 साल आगे भी 45 साल राजनीति कर ली, आज 35 का हूँ, मेरा उद्देश्य साफ है, प्रदेश आगे बढ़े, और मैंने 4 साल में ये अचीव कर दिखाया। ना मैंने कांग्रेस के पक्ष में जाने के लिए वोट मांगे थे, ना बीजेपी के जाने के लिए। हमें परिस्थिति दिखी एज अ पॉलिटिकल पार्टी की हम मिलकर प्रदेश को एक स्टेबलाइज सरकार दे, वो हम अचीव कर पाए। आज प्रदेश में एक स्टेबल स्थिर सरकार है और आगे भी लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि जो उनका लोभ उनका लालच था वो यही था कि बेटे को स्थापित कर दे, और बेटे का ये था कि मैं किस तरह प्रदेश की सत्ता को हथिया लूं, तो दोनों नहीं अचीव कर पाए। और उनको दर्द यही आता है कि 35 साल का छोरा कैसे पहुंच गया। ना तो हम रुकने वाले, हमने तो अगले 40 साल पॉजिटिविटी के साथ राजनीति करनी और उसके ऊपर अपने आप को समर्पित रखना।